वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नाउन पार्ट सेकंड। अभी तक आपने नाउन का फर्स्ट पार्ट देखा, और जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो का नाम है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। एंड आई एश्योर यू, in this video you will learn all the rules related to nouns, and after watching this video you need not watch any other video related to noun or read any books of English grammar related to noun. Let's start. आइए हम एक छोटा सा recap करते हैं। उस first video में, नाउन के फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया गया व्हाट इज नाउन, नाउन होता क्या है। तो आपको पता है नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग नाउन कहलाता है। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। नंबर ऑफ नाउन्स, देयर आर टू नंबर्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल टू टाइप्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। जेंडर ऑफ नाउन्स फोर होते हैं, मैस्कुलिन जो मेल की बात करते हैं, फेमिनिन जो फीमेल की बात करते हैं, कॉमन जो मेल फीमेल दोनों की बात करते हैं, न्यूटर जो नॉन लिविंग की बात करते हैं। नाउन के केस फाइव होते हैं, केसेस ऑफ नाउन मतलब पोजिशन ऑफ नाउन्स। और ये होते हैं सब्जेक्टिव केस, जब नाउन वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्टिव केस जब नाउन वर्ब के बाद आता है, पजेसिव केस जब नाउन के ऊपर पजेसिव का साइन लगता है, वोकेटिव केस जब नाउन को एड्रेस किया जाता है, और केस एंड पोजिशन जब नाउन के बाद कॉमा करके कोई नाउन या नाउन फ्रेज आता है और वो पहले वाले नाउन के बारे में एक्सप्लेन करता है तो नाउन केस एंड पोजिशन कहलाता है। इसके बाद आपको पढ़ाया गया था कि नाउन के काइंड्स तो पांच होते हैं, लेकिन फाइव काइंड्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट, दोज नाउन्स विच आर यूज ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, वो कौन से नाउन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म यूज होते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ, और इस कैटेगरी में रखा गया है प्रॉपर नाउन को, मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। दूसरी कैटेगरी, दोज नाउन्स विच आर यूज ओनली इन प्लूरल फॉर्म, वो नाउन जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल रहते हैं, इसमें रखा गया है बच्चों कुछ पेयर नाउन्स को और कुछ कलेक्टिव नाउन्स को। और तीसरी कैटेगरी है दोज नाउन्स विच रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट से आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इन तीन कैटेगरी का पहला रूल आपको पढ़ा दिया गया था कि नाउन्स विच आर यूज ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। आज दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे नाउन्स विच आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। तो डाली गया हेडिंग, सेकेंड पॉइंट है नाउन्स used only in plural form. यानी कि वो कौन से नाउन होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म रहते हैं और उनके साथ जो वर्ब आएगा बच्चों, वो वर्ब आपका प्लूरल होगा। पीबी का मतलब होता है प्लूरल। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस कैटेगरी में दो नाउन होते हैं, एक है कुछ कलेक्टिव नाउन, कुछ हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, और ये कलेक्टिव नाउन्स हैं जैसे कैटल, पुलिस, पाउल्ट्री, पीपल, जेंट्री, पीजेंट्री, आर्टलरी,
बच्चों ये कुछ कलेक्टिव नाउंस हैं, फटाफट नोट करें। और ये वो कलेक्टिव नाउंस हैं जो आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म रहते हैं, और वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। बच्चों क्यों रहते हैं प्लूरल फॉर्म? उसका सिर्फ सा रीजन ये है कि कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, और दोस्तों कलेक्शन वह होते हैं जो मोर देन वन होता है, क्योंकि ग्रुप की बात करता है। तो ये सब के सब ग्रुप हैं। अब किसका ग्रुप है? देखिएगा बच्चों, कैटल जो होता है ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों का समूह होता है। पुलिस ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल्स, पोल्ट्री ग्रुप ऑफ हैंस, पीपल ग्रुप ऑफ मैन विमेन चिल्ड्रन, जेंट्री ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, जेंटलमैन का समूह, पीजेंट्री ग्रुप ऑफ पीजेंट्स या किसानों का समूह, आर्टिलरी ग्रुप ऑफ गन्स, बंदूकों का समूह। तो दोस्तों देखा आपने, कोई कोई कलेक्शन है, ग्रुप है, इसलिए हमेशा प्लूरल फॉर्म रहता है। और याद रखिएगा ये दिखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है, इनमें कभी भी यस एस नहीं लगाया जाता है। अब देखिएगा इनसे रिलेटेड एरर कैसी आती है, जैसे सम कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बच्चों यहां पर कैटल्स नहीं करेंगे, कैटल करेंगे, और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ऐसे ही द पुलिस हैज कम, तो बच्चों सेंटेंस रॉन्ग है। पुलिस कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल है, तो यहां पर हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। और देखिएगा सम पीपल्स आर फाइटिंग, सेंटेंस रॉन्ग है, पीपल्स नहीं करेंगे, पीपल करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, लोगों का समूह होता है। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, पीपल का मतलब बच्चों नेशन भी होता है, राष्ट्र भी होता है। तो जब पीपल का मतलब नेशन होता है तो ऐसी सिचुएशन में पीपल्स कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर नेशंस बन जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं सम पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन G20 समिट, तो यहां पर पीपल्स मतलब नेशन सेंटेंस सही हो जाएगा। और देखिए गलतियां कैसी आती हैं, द जेंट्रीज है लेफ्ट द सिटी, तो बच्चों जेंट्रीज नहीं करते हैं, जेंट्री करेंगे। तो ये इस रूल का कि वो कौन सा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म रहते हैं, उसका पहला पॉइंट। इसका एक पॉइंट और है, और वो है कुछ पेयर नाउन्स, तो आइए नोट करें आप लोग फटाफट, स्क्रीनशॉट्स लेते रहें। तो बच्चों इसका एक कुछ पेयर नाउंस होते हैं, जैसे बच्चों पेयर नाउंस जो होते हैं, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग्स, स्पेक्टेकल्स,
शॉर्ट्स, आर्म्स, रिमेंस, रिचेज, गुड्स, मीजल्स, मम्स, बच्चों ये कुछ ऐसे नाउन है जो पेयर नाउन है और हमेशा प्लूरल फॉर्म रहते हैं, इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। बच्चों पेयर का मतलब होता है जोड़ा होता है, तो इनका कभी सिंगुलर नहीं बन सकता है क्योंकि फिर ये पेयर नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल ले बच्चों, सीजर्स का मतलब होता है कैंची। अब देखिए कैंची क्या होता है, एक सीजर होता है प्लस एक और सीजर होता है और दोनों सीजर मिलाकर के बनता है सीजर्स। अब देखिए सीजर का मतलब एक ब्लेड होता है, सपोज एक ये ब्लेड है और एक ये ब्लेड है, मिला के सीजर्स बन जाता है। अब बच्चों अगर आप यस हटाओगे तो फिर ये ऐसा रह जाएगा, यूज ही नहीं करता होता। ऐसे ट्राउजर्स पैजामा होता है। अब देखिए पैजामा क्या होता है बच्चों, दो टांगे होती हैं, यस हटाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, यूजलेस हो जाता है। ऐसे बच्चों स्टॉकिंग्स मोजे होते हैं, दो होते हैं, सिमिलर नहीं हो सकता। स्पेक्टेकल्स चश्मा होता है बच्चों, इसमें भी आपने देखा होगा चश्मे में भी दो आंखें होती हैं, एक हटाओगे तो यूजलेस हो जाएगा। शॉर्ट्स हाफ पैंट होता है, पेयर है। आर्म्स भिक्षादान, रिमेंस बची हुई चीजें, रिचेज संपत्ति, गुड्स सामान, यह सटाओगे अच्छा हो जाएगा। मीजल्स और मम्स चेचक की बीमारियां होती हैं। तो बच्चों ये सब के सब पेयर नाउन है और अतः रूल कहता है कि कभी भी इनका सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। और वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। अब देखिए इसकी एरर कैसी आती है, जैसे माई सीजर इज शार्प, तो बच्चों गलत हो जाएगा, सीजर नहीं करेंगे सीजर्स करेंगे और यहां पर इज नहीं होगा, आर करेंगे। और देखिएगा योर स्पेक्टेकल इज मिसिंग, गलत है, स्पेक्टेकल नहीं होता है, स्पेक्टेकल्स होता है, फिर इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। और देखिएगा स्काउट्स वियर शॉर्ट, गलत है, शॉर्ट नहीं होता है, शॉर्ट्स होता है। और देखिएगा I sent my luggage by a good train, तो जिससे सामान भेजा जाता है बच्चों वो गुड ट्रेन नहीं होती है, गुड्स ट्रेन होती है। और देखिएगा ही सफरिंग फ्रॉम मंप, बच्चों मंप नहीं होता है, मम्स होता है। तो इस तरह से इसकी एरर आती है, फटाफट नोट करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बच्चों नेक्स्ट टूल है कि वो कौन से नाउन है। आगे पढ़ेंगे वो कौन से नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल हमेशा सेम रहता है। तो रैली का नेक्स्ट हेडिंग आपका है नाउन्स, थर्ड पॉइंट है बच्चों, यूज्ड सेम बोथ इन सिमिलर एंड प्लूरल। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि वो कौन से नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। अब देखिए इस कैटेगरी में आपके एक आते हैं जैसे डियर, शीप, फिश, एपरेटस, वेजेस, मींस, तो ये कुछ नाउन है विच रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल, जिनका सिंगुलर प्लूरल हमेशा सेम रहता है। एक्चुअली फॉरेन वर्ड्स हैं और जिस तरह से फॉरेन ग्रामर रूल्स में उनका यूज होता है वैसे हम लोग करते हैं। बच्चों की मीनिंग लिखिएगा, डियर मीन्स हिरन, शीप मीन्स भेड़, फिश मछली, एपरेटस उपकरण, वेजेस मजदूरी और मीन्स होता है माध्यम। अब देखिए इसकी इधर कैसे आती है, जैसे देखिएगा अ डियर इज ग्रेजिंग। अब देखिए अगर एक है तो भी डियर रहेगा, लेकिन देखिए इधर कैसे आती है, अगर मैं लिखूं फाइव डियर्स आर ग्रेजिंग तो गलत हो जाएगा। अब यहां पर डियर्स नहीं करेंगे, डियर करेंगे। और देखिएगा आई हैव अ शीप, ठीक है, लेकिन अगर लिखा जाए यू हैव टेन शीप्स तो गलत हो जाएगा, शीप रहेगा। अब देखिए वेजेस और मींस में क्या होता है बच्चों, इसके दो मीनिंग होते हैं। वेजेस का मतलब एक तो होता है मजदूरी और एक होता है कीमत। तो बच्चों जब बेसिस का मतलब मजदूरी होता है तो ये पैसा काउंटेबल होता है तो इसको प्लूरल मानते हैं, वर्ब लगाते हैं प्लूरल। जब वेजेस का मतलब कीमत होता है तो ये अनकाउंटेबल है, इसको सिंगुलर मानते हैं और वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। जैसे द वेजेस ऑफ The workers have been raised. इन मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी गई है, तो यहां पर मजदूरी है तो वर्क हमारा क्लियर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, The wages of sin is death. पाप की कीमत मौत होती है, अब यहां पर कीमत है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। बच्चों यही बात होती है मींस के साथ, देखिए सेम चीज लागू होती है मींस के साथ। अब देखिए मींस में कैसा होता है, जैसे मींस के दो मतलब है,
बच्चों एक मीन्स का मतलब होता है माध्यम और एक मीन्स का मतलब होता है साधन। तो बच्चों रूल कहते हैं अगर ये माध्यम है ट्रैवलिंग का तो ये हमेशा सिंगुलर मानते हैं, वर्ब आते ही सिंगुलर, और अगर ये साधन है अर्निंग का, कमाई का, तो इसको प्लूरल मानते हैं, वर्ब आते ही प्लूरल, क्योंकि इंसान के अर्निंग के कई साधन होते हैं और ट्रैवलिंग का एक ही साधन होता है। जैसे अगर आपको यहाँ से कानपुर से लखनऊ जाना तो आप एक ही साधन यूज करेंगे, ट्रेन से, बस से या कार से, लेकिन अर्निंग के साधन कई होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, My means of traveling is not good. अब देखिए यहाँ पर बात ट्रैवलिंग हो रही है तो मीन्स के लिए एज आया हुआ है, लेकिन अगर मैं लिखूं My means of अर्निंग आर नॉट गुड, अब अर्निंग की बात करेंगे तो आर लगाएंगे। चलिए तो दोस्तों ये थे तीन कैटेगरी जो हमने आपको पढ़ाए कि नाउन्स विच आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म, जिसमें आपके आते हैं प्रॉपर, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, नाउन्स विच आर यूज इन प्लूरल फॉर्म जिसमें आपके आते हैं कुछ पेयर नाउन और कुछ कलेक्टिव नाउन, और अब हम पढ़ रहे हैं नाउन्स रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये कुछ हमारे फॉरेन वर्ड्स थे। अब कुछ कलेक्टिव नाउन भी होते हैं, एक तो कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया कैटल है, पाउल्ट्री है, पीजेंट्री है, पुलिस है, और कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं सम टाइम दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड सम टाइम दे आर यूज इन प्लूरल फॉर्म, वो कौन से हैं लेट्स आइए देखते हैं। तो इसी हेडिंग का नेक्स्ट पॉइंट, और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में आपके हैं वो कुछ कलेक्टिव नाउन्स। तो जैसे कौन से कलेक्टिव नाउन है नोट करिएगा, तो बच्चों जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो हैं जूरी, पब्लिक, टीम, ऑडियंस, कमेटी, गवर्नमेंट, कॉन्ग्रीगेशन, ऑर्केस्ट्रा। तो बच्चों ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं विच आर समटाइम यूज इन सिंगुलर फॉर्म एंड समटाइम यूज इन प्लूरल, कभी ये सिंगुलर रहते हैं कभी प्लूरल। फटाफट नोट करें, सीखेंगे कि कब ये सिंगुलर होते हैं और कब ये प्लूरल रहते हैं। तो बच्चों इसका एक रूल है कि अगर ये नाउन आपको लगे यूनाइटेड है या एग्री है तो ये सिंगुलर होते हैं, वर्ब सिंगुलर आएगी और अपना के लिए इट्स आता है, और आपको अगर आपको लगे ये डिसएग्री है, ये डिवाइडेड है, तो इनको प्लूरल मानते हैं, वर्ब आएगी प्लूरल और अपना के लिए डी यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, अब देखिए कलेक्टिव नाउन ये भी ग्रुप है, किसका ग्रुप होता है बच्चों, जूरी ग्रुप ऑफ जजेज, जज लोगों का समूह है, पब्लिक ग्रुप ऑफ पीपल मैन वीमेन, टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स खिलाड़ियों का समूह होता है, ऑडियंस ग्रुप ऑफ लिसनर्स
श्रोताओं का समूह होता है, कमेटी मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रियों का समूह होता है, कांग्रीगेशन होता है ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल धार्मिक लोगों का समूह होता है, और ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस संगीतकारों का समूह होता है। अब देखिएगा इनके यूजेस कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा कि यूनाइटेड है डिवाइडेड है। जैसे एक सेंटेंस है, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। अब देखिए जूरी ने अपना निर्णय दिया है, तो बच्चों डिसीजन कब आता है? जूरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की बेंच बैठती है, तो डिसीजन कब आता है? जब वो आपस में एग्री होते हैं। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर और अपना के लिए इट्स लाएगा। दूसरा, द जूरी वर डिवाइडेड इन दियर व्यूज। अब जूरी बटी हुई है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल और अपना के लिए दियर। तो ये होता है, यूनाइटेड है तो सिंगुलर वर्ब, इट्स डिवाइडेड है या डिसएग्री है प्लूरल वर्ब या दियर अपना के लिए दियर। और देखिए एग्जांपल्स, द टीम हैज वॉन द मैच। और अगला एग्जाम्पल है, द टीम आर लुकिंग फिट। अब देखिए जब टीम मैच जीतती है तो यूनाइटेड होती है, सिंगुलर वर्ब अपना के लिए इट्स आएगा। और जब टीम का फिटनेस टेस्ट होता है तो सब मेंबर्स बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। और देखिए एग्जांपल, द ऑडियंस वॉज स्पेलबाउंड। इन श्रोता मंत्र मुग्ध थे। अब बच्चों देखिए श्रोता मंत्र मुग्ध कब होते हैं? जब स्पीकर से एग्री होते हैं, तो वर्ब सिंगुलर। और देखिएगा, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब देखिए किसी असेंबली में हाल में जब ऑडियंस बैठता है तो जब सीट पर बैठते हैं तो बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल और अपना के लिए देयर। एक और एग्जांपल देख लें, द गवर्नमेंट हैज पास्ड इट्स बिल। गवर्नमेंट ने अपना बिल पास कर दिया। तो बच्चों लोकसभा में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट कहलाते हैं, तो बिल कब पास होता है? जब वो आपस में एग्री होंगे, तो वर्ब सिंगुलर अपना के लिए इट्स। और देखिएगा, द गवर्नमेंट वर डिवाइडेड ओवर देयर इश्यूज। अब बटे हुए, तो वर्ब प्लूरल अपना के लिए। तो बच्चों ये था हमारा
तीसरा पॉइंट कि वो कौन से नाउंस होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं। बच्चों अब हम आगे बात करेंगे करेक्ट यूजेज ऑफ नाउंस के और उसकी एरर कैसे आती है। तो डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग करेक्ट यूजेज ऑफ नाउंस। बच्चों आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं नाउंस के कुछ रूल्स और कुछ एरर के। तो डालेंगे हेडिंग करेक्ट यूजेज ऑफ नाउंस। अब हम बच्चों यहां पर कुछ रूल्स और एरर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल है वन ऑफ, नन ऑफ और एनी ऑफ के बाद बच्चों हमेशा प्लूरल नाउन आएगा लेकिन वर्ब आपकी सिंगल रहेगी। क्या रूल है? वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब कैसी आएगी? सिंगल। जैसे I want one of the book kept on the table. तो बच्चों ये सेंटेंस गलत है। वन ऑफ अगर आया हुआ तो यहाँ पर बुक नहीं होगा, बुक्स करेंगे। और देखिएगा Any of these tool may serve the purpose. अब any of आया हुआ तो now clear होगा, tool नहीं करेंगे, tools करेंगे। तो बच्चों ऐसी इधर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, next point note करिएगा। बच्चों ऐसे कुछ important tips और points आपको देने हैं जो कि exams में बहुत पूछ जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट रूल है कि अगर वन पर्सन है, वन प्लेस है या वन थिंग है तो सिंगुलर नाउन होता है। वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग है तो नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। और अगर मोर देन वन पर्सन्स है, प्लेसेस है या थिंग्स है तो प्लूरल होता है। बच्चों रूल क्या है? वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग सिंगुलर नाउन, मोर देन वन पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स प्लूरल। अब देखिए इसकी एरर कैसे आती है। सेंटेंस है इट टुक अस वन एंड हाफ आर। अब देखिए बच्चों यहां पर नाउन आर है लेकिन आर है कितना, आवर है कितना, ये है वन एंड हाफ। तो बच्चों वन एंड हाफ जो है ये मोर देन वन हो गया तो नाउन यहां पर हावर नहीं होना चाहिए था, हावर होना चाहिए था। और देखिएगा
आई नीड 1.1 इंच क्लॉथ्स। अब देखिए बच्चों नाउन क्या है, 1.1 है, मोर देन 1 है तो इंच नहीं करेंगे, इंचेस करेंगे। तो इस तरह से चीज होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अगर सिंगुलर नाउन के पहले कोई एक एडजेक्टिव आता है तो भी सिंगुलर नाउन लगा, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर सिंगुलर नाउन के पहले दो एडजेक्टिव आ जाएंगे ऐसी सिचुएशन में वर्ब हमेशा प्लूरल लगाते हैं। बच्चों क्या पॉइंट है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, अगर किसी सिंगुलर नाउन के पहले कोई एक एडजेक्टिव आता है तो भी सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन के पहले दो एडजेक्टिव आ जाते हैं तो वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल। जैसे कल्चरल लाइफ इज चेंजिंग। अब बच्चों यहां पर देखिए नाउन लाइफ है, एक एडजेक्टिव कल्चरल ये आया हुआ, लेकिन अगर मैं लिखूं कल्चरल एंड सोशल लाइफ तो यहां पर आर लगाएंगे। बच्चों देखिए नाउन तो एक ही लाइफ, लेकिन यहां पर दो एडजेक्टिव, एक सोशल है एक कल्चरल है। इसका मतलब होता है बच्चों ये लाइफ जो होता है ये कॉमन होता है, ये यहां भी काम करता है और यहां भी काम करता है, तो मतलब होता है कि कल्चरल लाइफ एंड सोशल लाइफ तो दो लाइफ होती है इसलिए आर लगता है। एक और एग्जांपल, समर वैकेशन इज कंपल्सरी। बच्चों यहां पर नाउन वैकेशन है, एडजेक्टिव एक है, एज आया हुआ, लेकिन अगर मैं लिखूं समर एंड विंटर वैकेशन, अब देखिए नाउन यहां पर भी वैकेशन है लेकिन यहाँ पर आर आया हुआ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर एडजेक्टिव दो हो गए, एक विंटर है एक समर है, मतलब यहाँ पर वैकेशन कॉमन होता है, एक मतलब समर वैकेशन और एक विंटर वैकेशन। तेली बच्चे मतलब क्या होता है कि ये जो ऐसी सिचुएशन में ये जो नाउन होता है ये कॉमन हो जाता है, दोनों जगह काम करता है, दैट्स व्हाई वर्ब शुड बी प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों अगला पॉइंट नोट करें, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। बच्चों 4 पॉइंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट में एक प्रीपोजिशन हो और उस प्रीपोजिशन के पहले का नाउन और बाद का नाउन, बच्चों अगर ये दोनों नाउन सेम होते हैं तो बच्चों दोनों ही नाउन आपके सिमिलर रहेंगे, और ऐसी सिचुएशन में वर्ब भी आपका सिमिलर आता है। जैसे
डोर टू डोर दोनों सुन रहे हैं। अब गलतियां कैसे आती हैं? आई विस्टे डोर टू डोर्स गलत जाएगा, डोर करेंगे। और He waited hour after hours, तो hours नहीं करेंगे, hour करेंगे। और देखिएगा, She told her story word for word, देखिए फॉर भी क्वेश्चन है तो सिंगल रहेगा word करेंगे। तो ये पॉइंट आपका है कि नाउन बिफोर एंड आफ्टर प्रीपोजिशन इज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों, आप बात करते हैं नाउन का पजेसिव केस करो कि नाउन का हम पजेशन कैसे दिखाते हैं। पजेसिव केस मतलब पजेशन कैसे दिखाते हैं। तो जो रूल कहता है कि अगर आपका लिविंग नाउन है, देखिए पजेशन में तो होता है जहां पर का की अंग्रेजी बतानी होती है, कि अगर लिविंग नाउन है तो पजेशन के लिए अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे राम्स लेग, राम की टांग। लेकिन अगर नॉन लिविंग नाउन है तो बच्चों पजेशन के लिए ऑफ लगाते हैं। जैसे द लेग ऑफ टेबल, बच्चों टेबल नॉन लिविंग है तो ऑफ आएगा। अब अगर यहां पर लिखें टेबल्स लेग तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कैसे का लिविंग है तो अपोस्ट्रॉफी एस, नॉन लिविंग है तो ऑफ। लेकिन बच्चों नॉन लिविंग का एक्सेप्शन भी है, नॉन लिविंग का एक्सेप्शन देखिए क्या है। नॉन लिविंग का एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन नंबर वन, कि अगर नॉन लिविंग आपका personified है, बच्चों personified मतलब होता है उसको एज लिविंग माना जाता है, तो फिर उस नाउन के ऊपर apostrophe s लगाते हैं। जैसे the nature's law is immortal, nature नॉन लिविंग है लेकिन कानून बना रही है, एज ए लिविंग काम कर रही है, अपोस्ट्रॉफी एस करेंगे। अब अगर मैं यहां पर कहूं द लॉ ऑफ नेचर इज इमॉर्टल तो गलत हो जाएगा। और देखिएगा, डेथ्स आईसी हैंड्स किल अस, मृत्यु के बर्फीले हाथ हमें मारते हैं। देखिए नाउन ही डेथ है, मरा हुआ नॉन लिविंग है, लेकिन apostrophe s लगाया गया क्योंकि ये personified हुआ है, मतलब यहां पर मृत्यु को एक इंसान बनाया गया, उसके हाथ पर दिखाया गया। तो एक तो ये एक्सेप्शन हो गया। बच्चों एक्सेप्शन नंबर टू क्या कहता है देखिएगा, एक्सेप्शन नंबर टू कहता है कि अगर आपका नॉन लिविंग कोई स्पेस की बात करता है,
टाइम की बात करता है, डे की बात करता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस नाउन के ऊपर अपोस्ट्रॉफी किया जाता है। जैसे What is your tomorrow's program? What is your tomorrow's यानी कल का, tomorrow knowledge है, लेकिन time है, तो apostrophe face आता है। और देखिएगा, an hour's wait is too long। एक घंटे का इंतजार, घंटा time है, apostrophe face आता है। दूसरा बच्चों, एक एक्सरसाइज नंबर तीसरा ये है कि अगर नॉन लिविंग कोई इडियम में है तो भी उसके ऊपर, नॉन लिविंग के ऊपर अपोस्ट्रॉफी आ सकता है। जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, देखिए एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन नॉन लिविंग है लेकिन इडियम है, इसका मतलब होता है वेरी नियर। तो बच्चों जब भी इडियम्स के अंदर कोई नॉन लिविंग है अपोस्ट्रॉफी एस लगाया तो सही माना जाता है। अब इसको हम कर दें अगर एट ए थ्रो ऑफ स्टोन तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे एक्सेप्शन हो गए नॉन लिविंग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अगर कोई आपका बच्चों कंपाउंड नाउन है, अगर कोई कंपाउंड नाउन है, अब देखिए कंपाउंड नाउन होता क्या है, जैसे फादर, तो बच्चों फादर क्या है, ये नाउन है। और जब एक नाउन में एक नाउन को और हम कंपाउंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बच्चों कंपाउंड में संयुक्त करना, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, एक नाउन को और कंपाउंड कर देते हैं तो बन जाता है कंपाउंड नाउन, जैसे फादर इन लॉ, तो ये हमारा हो गया कंपाउंड। अब बच्चों रूल क्या कहता है कि अगर हमें किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए जो एस लगता है वो एस इज एडेड टू द मेन वर्ड, यानी प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं मेन वर्ड में। जैसे फादर इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे तो बच्चों यहां पर मेन फादर है तो हो जाएगा फादर्स इन लॉ। लेकिन अगर हमें कंपाउंड नाउन का पजेसिव बनाना है तो बच्चों पजेसिव बनाने के लिए जो हमारा एस लगता है इज एडिट टू द लास्ट वर्ड, यानी पजेसिव बनाना है कंपाउंड नाउन का तो एस कहां लगाते हैं, लास्ट वर्ड में। जैसे फादर इन लॉज होम, फादर इन लॉ का घर, अपोस्ट्रॉफी लास्ट में। अब देखिए इससे गलतियां कैसे आती हैं बच्चों, इसकी एरर कैसे आती है। जैसे दैट इज टैगोर्स द पोइट होम। अब देखिएगा टैगोर कवि, ये कंपाउंड नाउन हो गया,
तो पजीसिव बनाने के लिए अपोस्ट्रॉफी लास्ट में लगाएंगे तो यहां नहीं आएगा, यहां पाएगा पोइट्स। या अगर मैं लिखूं गोविंदास द हीरो वाइफ, गोविंदा हीरो की पत्नी, तो यहां पर गलत हो जाएगा। गोविंदा द हीरो एक ही बात है, कंपाउंड नाउन है, तो यहां पर लगाएंगे हीरोज वाइफ। तो बच्चों इस तरह से एरर आती है कंपाउंड नाउन की। एक और चीज सीखिएगा, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं अगर कहूं करीम एंड सलीम बेकरी इज गुड, और एक सेंटेंस है करीम्स एंड सलीम्स बेकरी आर गुड। बच्चों यहां पर देखिए क्या रूल सिखाना है आपको, कि अगर दो सिमिलर नाउन है जैसे करीम और सलीम और अपोस्ट्रॉफी अगर लास्ट लगाते हैं तो ये जॉइंट पोजेशन की बात करते हैं, ऐसे सिचुएशन में वर्ब सिमिलर आती है। यानी यहां पर करीम और सलीम की बेकरी, मतलब बेकरी जॉइंट पोजेशन है, दोनों की एक ही बेकरी है। और अगर मैं अपोस्ट्रॉफी दोनों लगा दूं करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, तो बच्चों ये सेपरेट पोजेशन की बात करता है, तो यहां पर बेकरी दो हो जाती है, तो यहां पर आ आएगा प्लूरल वर्ब आती है। जैसे इसका मतलब होता है बच्चों यहां पर बेकरी कॉमन है, मतलब क्या होता है कि करीम्स बेकरी एंड सलीम्स बेकरी, बेकरी दो होती है तो वर्ब आएगी प्लूरल। ऐसे देखिए एक और एग्जांपल, राम एंड रहीम्स बुक इज गुड। तो देखिए यहां पर राम और रहीम दो सिमिलर नाउन है, अपोस्ट्रॉफी लास्ट में लगा केवल, तो यानी कि दोनों की सेम बुक है। लेकिन अगर मैं लिखूं राम्स एंड रहीम्स बुक, तो चलो लगाएंगे हम आर, यानी कि अब ये सेपरेट पोजीशन बात करता है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये वो पॉइंट्स थे जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम आपको एक लास्ट रूल और डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग सिंगुलर नाउन दे रहे हैं जिनका प्लूरल कैसे बनता है ये सीखना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में एरर बहुत आती है। तो आइए नोट करिएगा कुछ इंपॉर्टेंट सिंगुलर नाउन्स जिनका आपको सीखना है प्लूरल कैसे, तो नोट करें। यानी हम आपको सिंगुलर दे रहे हैं, आप ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाने नाउन है जिनका प्लूरल कैसे बनता वो सीखना। जैसे कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल, अटॉर्नी जनरल, मैक्स सर्वेंट, मदर इन लॉ, मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। अब बच्चों देखिए ये कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स सिंगुलर नाउन्स हैं जिनका एग्जाम्स में एरर बहुत आता है, तो
इनका प्लूरल क्या होगा, इसके लिए देखिए हमने रूल पढ़ाया था कि अगर हमारा कंपाउंड नाउन है तो प्लूरल बनाने के लिए यस लगाते हैं मेन वर्ब। तो ये सारे सारे कंपाउंड नाउन है, अब केवल हमें ये देखना है इसमें मेन क्या है। तो जो कमांडर इन चीफ एक रैंक होती है सेना में, इसमें मेन कमांडर होता है, तो लगाएंगे यस कमांडर में, तो ये हो जाएगा कमांडर इन चीफ। और मेजर जनरल में बच्चों मेन जनरल होता है तो जनरल्स करेंगे, मैं तो यहां लगा लो लेकिन आप आगे लिखिएगा। अटॉर्नी जनरल में मेन अटॉर्नी होता है, अटॉर्नीज हो जाएगा, ये भी सेना की रैंक है। मैन सर्वेंट में मेन सर्वेंट होता है तो सर्वेंट्स हो जाएगा, आप लोग आगे लिखिएगा ध्यान से। मदर इन लॉ में बच्चों मेन मदर है, मदर्स हो जाएगा। और मैन सर्वेंट में मैन का भी मैन करते हैं, सर्वेंट का भी सर्वेंट्स करते हैं, और वुमेन में वुमेन का भी मैन करते हैं, सर्वेंट्स का भी सर्वेंट्स करते हैं। ये तो कुछ कंपाउंड नाउन है जो कंफ्यूजिंग होते हैं। अब बच्चों कुछ और नाउन्स हैं जिनका भी प्लूरल कंफ्यूजिंग होता है, उनको भी जरा नोट करें। जैसे अब देखिए कुछ होता क्या है, मैं आपको आगे एक पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं, लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमारी जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो कहती है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यस आई एस लगता है। देखिए इसके अलावा कुछ और रूल्स होते हैं हमारी जो फॉरेन लैंग्वेज है उसके कैसे बनते हैं उसके बाद। तो बच्चों देखिए कुछ और वर्ड्स हैं जैसे माउस, मीडियम, फेनोमेनन, एलमनस, डेटम, क्राइटेरियन, फार्मूला, सिलेबस, क्राइसिस, एनालिसिस, एजेंडम, रेडियस। बच्चों ये कुछ फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इनका प्लूरल थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, सीख लीजिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत आता है। बच्चों माउस का प्लूरल माइस, मीडियम का प्लूरल मीडिया, फेनोमेनन का प्लूरल फेनोमेना। जो फेनोमेना होता है आसपास दिखाई देने वाली वस्तु। एलमनस का प्लूरल एलमनी, डेटम का डेटा, जो एलमनस होता है एक्स स्टूडेंट्स ऑफ एनी कॉलेज। क्राइटेरियन सिद्धांत होता है, प्लूरल हो जाता है क्राइटेरिया। फार्मूला का प्लूरल होता है बच्चों फार्मूले भी होता है और फार्मूलास भी होता है। सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबी, पाठ्यक्रम होता है। बच्चों अब देखिएगा क्राइसिस, तो जब भी किसी नाउन में एस आई एस होता है तो उसका प्लूरल बस ई एस कर देते हैं, तो क्राइसिस का प्लूरल हो जाएगा क्राइसिस, समस्या होती है। और एनालिसिस का एनालिसिस हो जाएगा। बच्चों एजेंडम का प्लूरल होता है एजेंडा, प्रोग्राम होता है। और रेडियस का प्लूरल होता है बच्चों बहुत एक स्पेशल नाउन है जहां पर डबल आई होता है रेडियस। ये तो कुछ कंफ्यूजिंग इंपॉर्टेंट नाउन्स सिंगुलर जिनका प्लूरल कैसे है। बच्चों बस लास्ट में एक चीज और डिस्कस करनी है और वो ये डिस्कस करना है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी बात कर लेते हैं।
बच्चों आगे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट 7-8 सेंटेंस दे रहे हैं जिसमें नाउन की इरर कैसी है उस पर थोड़ा सा काम करिएगा, और इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो रहा है। तो बच्चों नोट करें कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिसमें नाउन की इरर बतानी है। पहला सेंटेंस आपका है, पहला सेंटेंस है देयर आर, आप लोग नोट करें, 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप। पहला सेंटेंस है देयर आर 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप। दूसरा, नेक्स्ट है रमेश हैज अप्लाइड फॉर फ्रीशिप। नेक्स्ट सेंटेंस आई एम नॉट योर फैमिली मेंबर। देखिए हर सेंटेंस में कोई ना कोई नाउन की एरर है, प्लीज स्पॉट द एरर। अगला सेंटेंस आई एम नॉट योर इंग्लिश टीचर। अगला, गीता इज माय कजिन सिस्टर। अगला, आई एट वेजिटेबल। स्काउट्स वियर हाफ पैंट्स। शी वियर्स हाफ वॉच। बच्चों यहां पर कुछ बेसिक नाउन की हमने एरर दी हैं जिसको डिस्कस करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है देयर आर 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चररशिप। बच्चों लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है। तो क्या होता है? लेक्चरशिप, ये रहे। दूसरा, रमेश हैज अप्लाइड फॉर फ्रीशिप। बच्चों फ्रीशिप नहीं होता है, या तो होता है फ्री स्टूडेंटशिप या होता है स्कॉलरशिप। बच्चों नेक्स्ट है आई एम नॉट योर फैमिली मेंबर्स। अब देखिए यहां पर दिक्कत क्या है, बच्चों यहां एरर ये है कि फैमिली भी नाउन है और मेंबर भी नाउन है। इंग्लिश ग्रामर कहती है दो नाउन साथ साथ नहीं आते हैं, तो फैमिली मेंबर नहीं करेंगे, ये सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट न
मेंबर ऑफ योर फैमिली, आई एम नॉट मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो जो सेम इधर यहां पर थर्ड में है, फोर्थ में है, आई एम नॉट योर इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश भी नाउन है, टीचर भी नाउन है, तो इंग्लिश टीचर नहीं करेंगे, ये हो जाएगा आई एम नॉट योर टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या बनेगा, आई एम नॉट योर टीचर ऑफ इंग्लिश। अगला है गीता इज माई कजिन सिस्टर, बहुत ज्यादा देखिएगा, कजिन के साथ सिस्टर या ब्रदर का प्रयोग नहीं करते हैं। गीता इज माई कजिन, कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई है। आई एट वेजिटेबल, बच्चों वेजिटेबल पेयर नाउन है, वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल नहीं होता, सब्जी होती है। स्काउट्स वियर हाफ पैंट्स, बच्चों हाफ पैंट्स अंडर गारमेंट होता है, और स्काउट्स की एक यूनिफॉर्म होती है, तो वो अंडर गारमेंट्स नहीं पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, ये होगा हाफ पैंट्स की जगह शॉर्ट्स। शी वियर्स हाफ होज, ऐसे बच्चों देखिए होज मीन्स मोजे होते हैं जो घुटनों से ऊपर तक होते हैं, लेकिन जो मोजे घुटनों से नीचे तक होते हैं उनको हम हाफ होज नहीं कहते हैं, उनको बोलते हैं सॉक्स। क्या बोलते हैं, सॉक्स। तो बच्चों ये कुछ बेसिक एरर्स थे, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू नाउन, एंड आई होप आई हैव गिवन यू फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ नाउन्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।